हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन भी हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सीबीएसई ने अपने 2000 के एग्जाम में दिया, 2016 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आइए देखें इस क्वेश्चन को एक बार और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन कहता है, अशोक भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई पार्टनर्स की। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एज फॉलोज, हमें बैलेंस शीट दे रखी है 31/3/15 को, जहाँ क्रेडिटर्स हैं, बिल पेएबल है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की, एसेट साइड में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन हमें कहता है, दे हैव डिसाइडेड, द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी अपनी आगे की प्रॉफिट रेशियो क्या रखना चाहते हैं, बराबर रखना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। नाउ फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज, कितना, एट ₹3 लाख गुडविल, वो 3 लाख रुपए की बना रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड लैंड बी रिवैल्यूड एट 160 एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो लैंड को रिवैल्यू करना है 160 पर, लैंड की वैल्यू फिलहाल क्या है, 1 लाख रुपए, तो ये रिवैल्यूएशन में हमारा फायदा हो गया, बिल्डिंग डेप्रिशिएट कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन में नुकसान हुआ। उसके बाद कहता है, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ये हमारा फायदा हो गया, एनहेंस रिटर्न ऑफ। ठीक है, हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। आइए जी, तो मेरे साथ आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट को ले लेते हैं इस फॉर्मेट में। आइए, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट सबसे पहले बना लें क्योंकि क्वेश्चन ने ये तीन चीज़ें ही मांगी है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर का अकाउंट और बैलेंस शीट मांगी है। रिवैल्यूएशन में देखो क्या क्या हो रहा है हमारे पास। सबसे पहले तो इसने क्वेश्चन में बोला है कि रिवैल्यूएशन की चीज़ें देखो, गुडविल तो रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं, ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट में जाएगा। लैंड को 1,60,000 पे कर दो, बुक की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ गया बाय लैंड। ठीक है, कितने से, 60,000 रुपये से जो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद उसने बोला है बिल्डिंग को कम कर दो 6% से, तो बिल्डिंग की वैल्यू देखो बुक्स में है 1 लाख रुपए, तो बिल्डिंग का 6% हटाएंगे तो कितना हो गया, 6,000 रुपये कम कर दिया, नुकसान हुआ बिल्डिंग के, रिवैल्यूएशन को कम किया इसलिए डेबिट साइड में आ गया रिवैल्यूएशन के अकाउंट में। इसके अलावा क्रेडिटर्स हैं 12,000 के, कहता है ये क्लेम नहीं करेंगे, ये पैसा नहीं मांगने आएंगे, तो ये फायदा है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो बाय क्रेडिटर्स। चलिए जी आइए, क्रेडिटर्स 12,000 के, ठीक है, हो गई चाहिए चीज़। अब क्या करें, हमारे पास जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया है उसे पार्टनर्स में बांट दें उनकी ओल्ड रेशियो में। तो देखो हमारे पास रिवैल्यूएशन का क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, यानी हमारे पास प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का। आइए इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटें, 72,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस है और डेबिट साइड में 6,000 ही है, तो 72 में से 6 गए तो कितने बटेंगे हमारे पास, 66,000। तो ये 66,000 क्या आ गया, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 72,000। आइए 66 को बांटें हम टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन को, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, किस पीएसआर में, 3:2:1 में। तो ज़रा 66 को आप पीएसआर में बांटो 3:2:1 में, पहले तो 3:2:1 है तो आधा हिस्सा तो एक का ही है, एक का नहीं, इसका नाम क्या था इनका, अशोक भीम एवं चेतन, तो अशोक भीम और चेतन, ठीक है, चेतन, तो हमारे पास 66,000 का 3/6 यानी कि 33,000 अशोक के लिए, उसके बाद 66,000 का 2/6, 2/6 करो तो 11 आता है ना, 11 गुना में 2, 22,000, और 66,000 का 1/6 यानी कि 11,000 चेतन का गेन आ गया। ये हमारे कहाँ जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलो रिवैल्यूएशन तो बन गया, उसके बाद आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट पर। तो कैपिटल अकाउंट पर यहाँ आइए मेरे साथ, तीन पार्टनर है तो हम तीन वाला फॉर्मेट यूज़ करें, ये भी 2 का है, ये लीजिए इसे यूज़ कर लेते हैं। पार्टनर्स के नाम है अशोक भीम चेतन, अशोक भीम, भीम की स्पेलिंग IHIM है ना, हाँ, भीम और चेतन, ठीक है, तीनों पार्टनर आ गए और ये कैपिटल अकाउंट हमने हेडिंग डाल दी ऊपर, कैपिटल अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस देखो, बैलेंस शीट में है 2 लाख, 1 लाख और 50,000। लिख लेते हैं इसको, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद रिवेल्यूशन का प्रॉफिट आया है बाय रिवेल्यूशन अकाउंट, अभी निकाल कर आए हैं हम लोग, 33,000, 22,000 एंड 11,000। रिवेल्यूशन का प्रॉफिट ओल्ड में क्यों बटा है, क्योंकि आज तक की रिवेल्यूशन हुई है ये। ठीक है, तो आज तक का फायदा नुकसान पार्टनर्स का, इसलिए ओल्ड रेशियो में बट गया। इसके अलावा देखो, हमारे पास एक चीज और बच गई, वो क्या है, गुडविल एडजस्टमेंट। और गुडविल के साथ में एक बार बैलेंस शीट को गो थ्रू कर लें। बैलेंस शीट में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पार्टनर्स में बट जानी चाहिए, ठीक है, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हों या लॉसेज हों। तो देखो बैलेंस शीट को आप लोग, बैलेंस शीट में हमारे पास एक जनरल रिजर्व है, इसे बांटना है हमने, 60,000 को बांट देते हैं इसे, उसके अलावा इधर कुछ नहीं। तो 60,000 का जनरल रिजर्व और बांटे पार्टनर्स में, उसके बाद आएंगे हम लोग गुडविल एडजस्टमेंट पर। और गुडविल एडजस्टमेंट के बाद हम क्या करने वाले हैं, मैं 1 मिनट स्क्रीन देखूं जरा, कहाँ है हमारा कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, ये रहा, ये कैपिटल अकाउंट आ गया आपका। जनरल रिजर्व और बांटो, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 60,000 है, तो 3 2 1 6, यानी 60,000 को 6 से किया तो हमारे पास क्या, 10,000, 10 गुना में 3 30,000, 10 गुना में 2 20,000, 10 गुना में 1 यानी 10,000 रुपये। तो 3 2 1 में आपने क्या बांट दिया, जनरल रिजर्व भी बट गया। इसके बाद हमें एक काम करना है, क्या, गुडविल एडजस्टमेंट का। तो गुडविल एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको वर्किंग नोट बनवा देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ आइए मेरे पास। हाँ, यहाँ बनाते हैं, ये लीजिए, सॉल्यूशन में हमारा ये वर्किंग नोट है पहला, गुडविल एडजस्टमेंट के लिए। गुडविल देखो आपको पता है 3 लाख की है, ठीक है, गुडविल एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। और हमारे पास पार्टनर हैं अशोक, भीम और चेतन, ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं। तो पहले तो देखो, गुडविल जो है ये ओल्ड रेशियो में बटनी चाहिए, ठीक है, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यानी 3 2 1 में ऐसा होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिखते हैं, शुड हैव डन, ऐसा होना चाहिए, शुड हैव बीन डन, ऐसा होना चाहिए था। बट क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये पैसा बाद में मिलेगा, तो हम इसे बाद में नई रेशियो में बांट देंगे, इसके कारण डिस्प्यूट अराइज होता है। तो जरा हम 3 लाख को 3 2 1 में बांटें, तो 3 लाख को जरा 6 से डिवाइड करो आप, 3 लाख को 6 से डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा, 50,000 का हिस्सा आएगा, 50 गुना में 3 यानी 1.5 लाख रुपए, यहां पर ये 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। ठीक है, अब ये तो होना चाहिए था। फ्यूचर में आप क्या कर रहे होंगे, वुड बी, हम कर रहे होंगे वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल इन न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर में बांट रहे होंगे, दैट इज इक्वली 1। तो 3 लाख को इक्वल इक्वल बांटोगे तो क्या आएगा, 1 लाख, 1 लाख भीम के और 1 लाख चेतन के। अब इसे कंपेयर करो दोनों को, देखो मिलना चाहिए 1.5 लाख, बट भविष्य में क्या मिलेगा, केवल 1 लाख रुपए मिलेगा। तो आप क्या करोगे इसके लिए जी, इसके लिए आप इसको आज ही 50,000 रुपये और दे दो, ताकि भविष्य में झगड़ा ना हो। इसको 1 लाख ही मिलना चाहिए था, और भविष्य में भी 1 लाख मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसको मिलना चाहिए 50,000, फ्यूचर में मिलेगा 1 लाख रुपए, तो इससे 50,000 वापस ले लो, ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो, यानी इसका अकाउंट डेबिट कर लो। तो सी का अकाउंट डेबिट करना है, ए का अकाउंट क्रेडिट करना है गुडविल के कारण। तो इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है कहाँ पे, इनके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमारा कहाँ है, ये रहा 3 अकाउंट वाला फॉर्मेट, ये लीजिए जी। तो एक सी का अकाउंट डेबिट होना है और ए का क्रेडिट होना है। तो पहले ए का क्रेडिट कर लें, किसके कारण, सी के कैपिटल के कारण, गुडविल एडजस्टमेंट की ये एंट्री होगी ना ये। हाँ, इसका वर्किंग नोट आप दे देना, वर्किंग नोट नंबर 1 है ये, ठीक है। ए का क्रेडिट होना है कितने से, 50,000 से, सी के कारण, और सी का अकाउंट डेबिट होना है ए के कारण, ए इज कैपिटल के कारण। इसको भी वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे देना, यहां पे सी का अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 से। चलिए जी, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम लोग फाइनलाइज करते हुए। फाइनलाइज देखो, क्वेश्चन ने हमें बोला है बस 3 और बैलेंस शीट और बनानी है। तो बैलेंस शीट के लिए मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिएगा, नहीं चाहिएगा, चाहिएगा। तो आइए क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, टू बैलेंस कैरेट डाउन। आइए क्लोजिंग बैलेंस निकालें हम दोनों साइड के।
जरा पहले ए का टोटल करके मुझे बताओ, 2,33,000, 30,000 और 50,000 कितना बनेगा जी? कितना बता रहे हैं? 3,13,000, 3,13,000 आ गया। और डेबिट साइड छोटा ही है तो इधर भी 3,13,000 आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस भी यही आ जाएगा क्योंकि और कुछ है नहीं, 3,13,000। इसके बाद बात करें बी बी यानी भीम की, ये हो जाएगा हमारे पास 1,44,000, और क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है तो 1,44,000 ही टोटल आ जाएगा, और यही क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 1,44,000 का। ठीक है, इसके अलावा तो देख लो और कुछ नहीं है। अच्छा, इस पर आते हैं अब लोग हम, 50, 60, 70, 71, 71,000, 71,000 सी का टोटल आ रहा है। 71 में से 50 हमारे पास ऑलरेडी हैं तो ये कितना आ जाएगा, 21,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो 3, 13, 1,44 और 21,000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का देखो मैंने कोई फॉर्मेट बना रखा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, इसे यूज कर लेते हैं बैलेंस शीट के लिए। आइए जी, बैलेंस शीट में आइए। बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड हो गई आपकी, एसेट साइड हो गई। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैपिटल को ही, और ये ध्यान से देखना, ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है ऑन एडमिशन। ठीक है, जो सॉरी ऑन चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर होने के बाद बैलेंस शीट है। तो कैपिटल अशोक, भीम एंड चेतन, 3,13,000 टोटल करोगे या मैं कर दूं? आप कर लोगे? ठीक है, 3,13,000, 1,44,000 और ये 21,000। ठीक है जी, टोटल ये, अच्छा इनका टोटल करके बताओ, 3, 13, 1,44 और 21,000 का कितना है? 4,76,000, 4,76,000 हमारे पास ये टोटल आ गया। इसके बाद देखिए, अब आप पुरानी बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स में उसने कहा 12,000 कम कर दो, तो क्रेडिटर्स थे 1 लाख के, 12,000 के खत्म कर चुके हैं आप लोग, तो कितना बच जाएगा जी? 88,000 बच जाएगा। इसके बाद बात करो बिल पेएबल की, बिल पेएबल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो पहले भी 40 के थे, अब भी 40 के रहेंगे, जर्नलिज्म हम बांट चुके पार्टनर्स में तो ये खत्म हो चुका, दिखेगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं इधर एसेट साइड में, लैंड है हमारे पास। लैंड ये 1 लाख का था, हमने 1 लाख का, 1,60,000 का कर दिया था, एप्रिशिएट हुआ था, रिवेल्युएट हुआ था। बिल्डिंग को हमने 6% से घटाया है, तो 1 लाख में 6% गए यानी 6,000 गए, तो 94,000 आ गया। उसके बाद प्लांट में कोई चेंज नहीं है, प्लांट हमारे पास 2 लाख का ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्टॉक है, मैं बुक में बैलेंस शीट ही देख रहा हूँ, उसी से कंपेयर करके बता रहा हूँ। अच्छा, स्टॉक है, स्टॉक कितने का है? 80,000 का, तो अब भी 80,000 का ही रहेगा। और डेटर की बात करें, डेटर में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर पहले भी 60,000 के थे, अब भी 60,000 के हैं। और बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, बैंक पहले भी 10,000 था और आज भी 10,000 रहेगा। अब एक काम कीजिए, दोनों साइड का टोटल कर लीजिए, देख लो और कोई चीज़ तो नहीं आ गई नई इसके अलावा, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। फिर भी कोई छूट रहा हो तो बताओ, नहीं छूट रहा? ठीक है, तो टोटल बता दो, टोटल कितना आएगा दोनों साइड का? पहले लाइबिलिटी साइड बता दो मुझे कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं जी? 6,04,000। ठीक है, 6,04,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद एसेट साइड और टोटल करो, 1,60,94, 2,60,80,000, 60,000 और 10,000। ठीक है, ये भी एक 6,04,000 है। ठीक है, 6,04,000 ये भी आ गया। चलिए जी, तो क्वेश्चन ने ये तीन चीजें मांगी थी, बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा हमने जो बनाया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसके अलावा हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया था, ये लीजिए, ये भी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये आ गया ना तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा आपने रिवैल्यूएशन जो बनाया वो भी मैं दिखा देता हूँ, ये लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लीजिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया आपका। बाकी एक वर्किंग नोट बनाया था गुडविल के लिए, वो देखना हो तो वो भी देख सकते हैं, ये लीजिए आप, ये लीजिए जी वर्किंग नोट गुडविल का। ठीक है, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके।